कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की बात करेंगे, जिन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन क्या बात बन गई है? क्या आलाकमान ने उन्हें मना लिया है? क्या वो अब बागी नेताओं और कांग्रेस पार्टी के बीच सेतु का काम करने वाले हैं? क्योंकि आज ही हमने एक्सक्लूसिवली तस्वीर भी दिखाई थी कि चंडीगढ़ में मौजूद थे, बागी नेताओं से बातचीत की है विक्रमादित्य सिंह ने, उसके बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर, दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं विक्रमादित्य सिंह। 4:20 की उनकी फ्लाइट थी, ये जानकारी दी है खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कि 4:20 की उनकी फ्लाइट थी दिल्ली की और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। ये भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी है और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सुबह भी बातचीत हुई है, उसके बाद भी बातचीत हुई है। बागी नेताओं से मिलने के बाद खड़गे को विक्रमादित्य सिंह जानकारी देने वाले हैं कि बागी नेताओं के मन की बात है क्या। सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक विधायक ने फोन भी किया मुख्यमंत्री को, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले विक्रमादित्य सिंह को लेकर क्या कहा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैंने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है, हाई कमांड है, पार्टी का हाई कमांड है, खड़गे साहब वहाँ बैठे हैं, उनके पास विक्रमादित्य जी अभी मेरे ख्याल अभी जाना था, उन्होंने 4:20 की उनकी फ्लाइट थी, उसके बाद वो उनसे मिलेंगे, फिर आगे क्या बात बनती है अलग बात है, लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद।